बंधु देखु आमको क्वेश्चन पचार शिल्प विप्लव प्रथम डैस ठार आरंभ होता है यार सठिक उत्तर कौन करेंगे ब्रिटेन कहे सठिक उत्तर जो ब्रिटेन जो ब्रिटेन ठीक अच्छे तो परवर्ती क्वेश्चन आमको पचार स्टडीज इन द डेवलपमेंट आमको क्वेश्चन पचार स्टडीज इन द डेवलपमेंट अफ कैपिटालिज्म पुस्तक रचयिता किए बोली पचार स्टडीज इन द डेवलपमेंट अफ कैपिटालिज्म पुस्तक रचयिता किए सठिक उत्तर हो मौराइस डब करेंगे मौराइस डब परवर्ती क्वेश्चन आमको परवर्ती क्वेश्चन पचारे डैश मसीह क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका आविष्कार करते अमेरिका आविष्कार के लिए 1492 मसीह जदि आप क्वेश्चन दिजा जे भास्को डा गामा के जलपथ आविष्कार करते हैं सठिक उत्तर कौन करेंगे 1498 कौन करेंगे 1498 आ भारत एडमिराल क्वेश्चन दिजा तर कौन करेंगे भास्को डागामा करेंगे कौन करेंगे भास्को डागामा तो परवर्ती क्वेश्चन आमको पचार प्रसिद्ध नाविक सार वाल्टर रेलिक डैश देशर थे पचार प्रसिद्ध नाविक सार वाल्टर रेलिक डैश देशर थे पचारेसर थे से जन्म होते इंग्लैंड से देहांत होते इंग्लैंड तो क्यों देश रही इंग्लैंड कह सठिक उत्तर कहब इंग्लैंड है इंग्लैंड कर दिया सठिक उत्तर परवर्ती क्वेश्चन आपको पचारे डैश इटालियो मानववादर जनक रूपे परिचित डैश इटालियो मानववादर जनक रूपे परिचित बोली पचारे सठिक उत्तर कौन करेंगे पेट्राक करेंगे कौन करेंगे पेट्राक सठिक उत्तर पेट्रार्क परवर्ती क्वेश्चन आपको पचारे डैश इटालियो मानववादर जनक रूप परिचित तो यार पेट्रार्क परवर्ती डैश फ्लोरेंस कैथेड्रल बैप्टिस्ट पाई एक पित्तल द्वारा तैयारी करते पचारे सठिक उत्तर कौन है लोरेंजो गिबर्टी करेंगे यार सठिक उत्तर हो लोरेंजो गिबर्टी गिबर्टी करेंगे लोरेंजो गिबर्टी तो परवर्ती क्वेश्चन आपको पचारे प्रसिद्ध डेविडर प्रतिमूर्ति डैश तैयारी करते पचारे तो माइचेल एंजेलो करेंगे कौन करेंगे माइचेल एंजेलो करेंगे एंजेलो यार सठिक उत्तर परवर्ती क्वेश्चन आपको पचारे द डिक डिक कैमेरन ये पुस्तक रचयिता किए बोली पचारे द डी कैमेरन ये पुस्तक रचयिता किए बोली पचारे तो यार सठिक उत्तर कौन हम जिओ भानी बोकासियो करेंगे जिओ भानी बोकासियो बोकासियो करेंगे हाँ परवर्ती क्वेश्चन जी कौन कौन पचारे आमको आमको क्वेश्चन पचारे इंडुल इंडुलजेंस संबंध में सर्वप्रथम डैश रोमान चर्च विरुद्ध स्वर उत्तोलन करते इंडुलजेंस संबंध में प्रथम डैश रोमान चर्च विरुद्ध स्वर उत्तोलन करते पचारे तो यार सठिक उत्तर कौन है मार्टिन लुथर कौन कर मार्टिन लुथर आ मार्टिन लुथर जदि आम देखा मार्टिन लुथर कथा जब आप कह 95 थीसिस ये पुस्तक रचयिता किए तो उत्तर कौन करेंगे मार्टिन लुथर ही करेंगे परवर्ती क्वेश्चन आमको पचारे परवर्ती क्वेश्चन पचारे स्वीडेन रे संस्कार आंदोलन मुख्य नेता डैश थे पचारे स्वीडेन रे संस्कार आंदोलन मुख्य नेता डैश थे पचारे स्वीडेन रे तो यार सठिक उत्तर कौन करेंगे गुस्ताभो भाषा करेंगे कौन कर गुस्ताभो भाषा करेंगे गुस्ताभो भाषा एमती सह लिखे गुस्ताभो भाषा ये 1530 मसीह है तो परवर्ती क्वेश्चन पचारे आमको क्वेश्चन आमको पचारे डैश शताब्दी में नव उपनिवेश आरंभ होता है सठिक उत्तर कौन करेंगे ऊनविंश शताब्दी करेंगे कौन करेंगे ऊनविंश शताब्दी में नव उपनिवेश आरंभ होता तो परवर्ती क्वेश्चन आमको पचारे कार्ल मार्क्स रूट कार्ल मार्क्स डैश रचना करते सठिक उत्तर कौन करेंगे दास कैपिटाल करेंगे कौन करेंगे दास कैपिटल दास कैपिटल कहे आ कार्ल मार्क्स
जदि आम देखा कार्ल मार्क्स कथा जब आपको कहि फेमस पूरा फेमस कौन पर फेमस द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ये पुस्तक भी फेमस और दास कैपिटल फेमस तो ये क्वेश्चन जो जगह देखेंगे उत्तर कौन करेंगे दास कैपिटल करदे परवर्त क्वेश्चन आमको पचार जे तुर्क मैंने डेस् क्रिस्टर ग्रीस अधिकार करते सठिक उत्तर कौन करेंगे 1453 करेंगे प्रथम तुर्क मैंने कौन करते ना कन्स्टांटिनोपल अधिकार करते 1453 मसीह ग्रीस अधिकार होता 1453 तो परवर्त क्वेश्चन पचारि आमको दांते डेस् ग्रंथ रचना करते सठिक उत्तर कौन करेंगे डिवाइन कॉमेडी पुस्तक रचयिता किए तो उत्तर कौन करेंगे दांते करेंगे कौन करेंगे दांते हो सठिक उत्तर और परवर्त क्वेश्चन आमको पचारि डेस् मुद्रण जंत्र उद्भावन करते पचारि तो कौन करेंगे जोहानेस गुटेनबर्ग करेंगे कौन करेंगे जोहानेस गुटेनबर्ग करदे परवर्त क्वेश्चन आमको पचारि शिल्प विप्लव अनुभूत होता प्रथम देशर नाम कौन पचारि शिल्प विप्लव अनुभूत होता प्रथम देश एमती कौन रही क्यों देश रही है ब्रिटेन रही ब्रिटेन ए देखिले ना ए क्वेश्चन आम कल शिल्प विप्लव अनुभूत होता प्रथम देशर नाम हो ब्रिटेन कहे भारत को किए जलपथ आविष्कार करते देखते कमी क्वेश्चन रिपीट हो भारत को किए जलपथ आविष्कार करते भास्को डा गामा करेंगे भास्को डा गामा कौन कहे भास्को डा गामा परवर्त क्वेश्चन पचार मार्टिन लुथर किए बोली पचारि मार्टिन लुथर किए बोली पचारि तो आपे ये जन जर्मान धर्मशास्त्री करेंगे कौन करेंगे जर्मान धर्मशास्त्री और 95 थीसिस ये पुस्तक रचयिता किए उत्तर कौन करेंगे मार्टिन लुथर ही करदे आप सठिक उत्तर हो मार्टिन लुथर आम को क्वेश्चन पचारि दि प्रिंस पुस्तक रचयिता किए दि प्रिंस ये पुस्तक रचयिता किए बोली पचारि यार सठिक उत्तर कौन करेंगे निकोलो माचियाभेली करेंगे दि प्रिंस पुस्तक रचयिता होती निकोलो माचियाभेली करेंगे निकोलो माचियाभेली परवर्त क्वेश्चन आमको पचार वर्ल्ड ऑफ द नेशन पुस्तक रचयिता किए बोली पचार यार सठिक उत्तर कौन करेंगे आदम स्मिथ करेंगे कौन करेंगे आदम स्मिथ यार सठिक उत्तर आदम स्मिथ परवर्त क्वेश्चन पचारि आमको जे रेनासा ये नवजागरण समय दुईज स्थपति नाम कौन बोली पचारि तो नंबर वन फिलिप टू ब्रुनेलेसी करेंगे फिलिप टू ब्रुनेलेसी दुई नंबर लियोन बाटिस्ता आलबर्टी करेंगे लियोन बाटिस्ता आलबर्टी करेंगे तीन नंबर आगे मैं रखिए अंड्रेया पालाडियो करेंगे क्या करेंगे अंड्रेया पालाडियो परवर्त क्वेश्चन आमको पचारि बणिक बाद शब्द प्रयोग प्रथम किए करते पचारि आमको पचारि बणिक बाद यार सठिक उत्तर कौन करेंगे वाणिज्य बाद यार ये शब्द को प्रथम किए प्रयोग करते आदम स्मिथ करते आदम स्मिथ करदे यार सठिक उत्तर आदि आप क्वेश्चन जगह वाणिज्य विप्लव ये शब्द को प्रथम सर्वप्रथम किए प्रयोग करते सठिक उत्तर कौन करेंगे कार्ल पुलानी करेंगे कौन करेंगे कार्ल पुलानी करदे यदि आपको पचार वाणिज्य विप्लव आणिज्य बाद बणिक बाद पचारे आदम स्मिथ करेंगे जमीती क्वेश्चन पचार उत्तर भी सेमती करेंगे ठीक अच्छे क्वेश्चन पचारि नेपल्स के अवस्थित बोली पचारि तो यार सठिक उत्तर कौन है दक्षिण पश्चिम फ्लोरिडा करेंगे कौन करेंगे दक्षिण पश्चिम फ्लोरिडा करेंगे क्वेश्चन परवर्त पचारि यूरोपे सामंतवाद पर देश अनुसरण करोली पचारि तो उत्तर कौन कहते कार्ल मार्क्स कहे यार सठिक उत्तर कार्ल मार्क्स अनुसरण कर मैंने क्वेश्चन पचार चाहूँगी जो यूरोपे सामंतवाद क्या द्वारा अनुसरण करचारि तो उत्तर कौन करेंगे कार्ल मार्क्स करेंगे परवर्त क्वेश्चन पचारि आमको ये पुंजीवाद प्रारंभिक पर्याय कौन थी पचारि प्रारंभिक पर्याय था वाणिज्यवाद व्यावसायिक पुंजीवाद पर्यंत पुंजीवाद प्राथमिक पर्याय को वाणिज्यवाद भाव में गणना कर तो ये जिनस को मैं रखे पुंजीवाद प्रथम पर्याय कौन बोली आमको पचारि
କ'ଣ କରିବେ ବାଣିଜ୍ୟ ବାଦ୍ୟ ଠାରୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ପୁଞ୍ଜିବାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟାକୁ ପୁଞ୍ଜିବାଦର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବା ଆମକୁ କ'ଣ କ'ଣ ପଚାରିଛି ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। ସାମନ୍ତବାଦର ଅବନତି କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବୋଲି ପଚାରିଛି, ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ କରିବେ। କ'ଣ କରିବେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ କରିଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ ପଚାରିଛି କଲମ୍ବସ୍ ଆମେରିକା କେବେ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। କଲମ୍ବସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ରିପିଟ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍, କଲମ୍ବସ୍ କେବେ ଆମେରିକା ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ, ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ 1492 କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର କିଏ କରିଥିଲେ, ଭାସ୍କୋ ଡ ଗାମା କରିଥିଲେ, ତ କେବେ କରିଥିଲେ 1498 କରିଦେବେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି ଆମକୁ ଯେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପଲ୍ ଓଟୋମାନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କେବେ ଅଧିକୃତ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ପଚାରିଛି। କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପଲ୍ ପଚାରିଛି 1453 କରିବେ, ମେ 29 1453। ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି ଯେ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦାସ ବାଣିଜ୍ୟକୁ କେବେ ରଦ୍ଦ କଲେ ବୋଲି ପଚାରିଛି, କେବେ ରଦ୍ଦ କଲେ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ନା 1807 କରିବେ, 1807 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ, 1807 ମାର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା ଯେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବିପ୍ଳବ ଶବ୍ଦକୁ କିଏ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବିପ୍ଳବ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ଏମିତିକା, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କହିବେ କାଲ ଫୁଲାନି କରିବେ। କ'ଣ କହିବେ କାଲ ଫୁଲାନି ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ ପଚାରିଛି ପ୍ରଥମ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍ କିଏ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ରିପିଟେଡ୍। କ'ଣ ହେବ ଜୋହାନେସ୍ ଗୁଟେନବର୍ଗ, କ'ଣ କରିବେ ଜୋହାନେସ୍ ଗୁଟେନବର୍ଗ କେମିତି ରିପିଟ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି ଆମକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ପଚାରିଛି ତାକୁ ଦେଖିବା, କେପ୍ ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ ହୋପ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ପ୍ରଥମ ୟୁରୋପୀୟ କିଏ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଆମକୁ ପଚାରିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେ କେପ୍ ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ ହୋପ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ପ୍ରଥମ ୟୁରୋପୀୟ କିଏ ଥିଲେ, ତ କେବେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ 1488 ମସିହାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ନାବିକ କରିବେ, ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ନାବିକ ଥିଲେ, ତାର ନାଁ କ'ଣ ବାର୍ଟୋଲୋମିଓ ଡିଆଜ୍ କରିବେ। ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ ବାର୍ଟୋଲୋମିଓ ଡିଆଜ୍ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି ବାର୍ଟୋଲୋମିଓ ଡିଆଜ୍। ତ ଏଇଟା 1 ମାର୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା। ତ ଆହୁରି କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ ପଚାରିଛି ଯେ 16 ଶତାବ୍ଦୀରେ ଶିଳ୍ପ ସଂଗଠନର ରୂପ ଗଣନା କରିବାକୁ ଯାଇ ଐତିହାସିକମାନେ କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ତ କେଉଁ ଶବ୍ଦମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, ପ୍ରୋଟୋ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ୍ ପ୍ରତ୍ନ ଶିଳ୍ପାୟନ କରିବେ, କ'ଣ କରିବେ ପ୍ରତ୍ନ ଶିଳ୍ପାୟନ, ଏ ଶବ୍ଦକୁ ଏମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଐତିହାସିକମାନେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ ପଚାରିଛି କେଉଁ ବର୍ଷ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମାକାଓ ଦ୍ୱୀପରେ ଏକ ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ତ କେଉଁ ବର୍ଷ 1557 କରିବେ, କ'ଣ କରିବେ 1557 କରିବେ। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ ପଚାରିଛି ଯେ 95 ଥିସିସ୍ 1517 କିଏ ଇସ୍ୟୁ କରିଥିଲେ ବୋଲି ପଚାରିଛି, କିଏ ଜାରି କରିଥିଲେ 1517 ମସିହା। ଦେଖନ୍ତୁ ମସିହାକୁ ମନେ ରଖିବେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ, 95 ଥିସିସ୍ ଏଇଟା କିଏ କରିଥିଲେ ବୋଲି ପଚାରିଛୁ ମାର୍ଟିନ୍ ଲୁଥର କରିବେ, କ'ଣ କହିବେ ମାର୍ଟିନ୍ ଲୁଥର 1517 ମସିହାରେ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଆମକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି ଯେ କେଉଁ ନାବିକ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜଳପଥରେ ବିଶ୍ୱ ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ ବୋଲି ପଚାରିଛି, ଏ ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ ମାଗେଲ୍ୟାନ୍ କରିବେ, ମାଗେଲ୍ୟାନ୍ ଲେଖିଥିବାର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ତ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା 1519 ରୁ 1522 ଏ ସମୟରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଜଳପଥରେ ବିଶ୍ୱ ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ, ମାଗେଲ୍ୟାନ୍ କରିବେ। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କହିବ ମେଗାଲ୍ୟାନ୍ ହେଇଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ ପଚାରିଛି ଯେ କେଉଁ ନାବିକ ଆମେରିକା ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ, କେତେ ରିପିଟେଡ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍। ତ କ'ଣ କରିବେ କ୍ରିଷ୍ଟୋଫର୍ କଲମ୍ବସ୍ କରିବେ, ସଠିକ ଉତ୍ତର କହିବ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କଲମ୍ବସ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଆମେରିକାର ନୂତନ ବିଶ୍ୱ କେବେ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ 1492 ମସିହାରେ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି କେଉଁ ସମୟକୁ କଲମ୍ବିଆ ବିନିମୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରୂପେ ବିଜିତ ବୋଲି ପଚାରିଛି, ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ 1516। ତ ଏ ଶତାବ୍ଦୀକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ଏ ସମୟକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା କଲମ୍ବିଆ ବିନିମୟ ସମୟ ବୋଲି କହିବା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ ପଚାରିଛି ଫ୍ରାନ୍ସର ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ ବୋଲି ପଚାରିଛି।
ଦାଟ୍ ହିଷ୍ଟୋରୀ ଅଫ୍ ଫ୍ରାନ୍ସ ସରି ଫ୍ରାନ୍ସ ଇତିହାସ ହିଷ୍ଟୋରୀ ଅଫ୍ ଫ୍ରାନ୍ସ ଏ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ ଜୁଲିୟସ୍ ମିଚେଲେ କରିବେ କ'ଣ କରିବେ ଜୁଲିୟସ୍ ମିଚେଲେ କରିବେ ଠିକ ଅଛି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମକୁ ପଚାରିଛି ୟୁରୋପକୁ ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରାନ୍ତ କରୁଥିବା କୃଷ୍ଣ ମୃତ୍ୟୁ କେଉଁ ରୋଗ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା କି କଲା ମୃତ୍ୟୁ କେଉଁ ରୋଗ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ବବୁନିକ୍ ପ୍ଲେଗ୍ କରିବେ କ'ଣ କରିବେ ବବୁନିକ୍ ପ୍ଲେଗ୍ ରୋଗ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ପ୍ଲେଗ୍ ବବୁନିକ୍ ପ୍ଲେଗ୍ ଠିକ ଅଛି। ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 1347 तो ये समय रे यूरोप रे पहुंची थिला ई बबुलिक प्लेग रोगटा। तापर परवर्ती क्वेश्चन आमको पचारी छे कोन कोन पता छे प्रिवेजा नौ समर केबे होतला ई युद्ध केबे होतला बोली पचारी छे प्रिवेजा बैटल ऑफ प्रिवेजा ई युद्ध केबे होतला तले सटीक उत्तर कोन करबे 28 सेप्टेम्बर 1538 मसीहा रे कोन होतला ना प्रिवेजा युद्ध होतला। तो परवर्ती क्वेश्चन आमको पचारी छे परवर्ती क्वेश्चन पचारि लेपांटु सोम नौ समय तो बैटल ऑफ लेपांटु युद्ध लेपांटु युद्ध के बोली पचारि तो कह 1571 मसीह लेपांटु युद्ध होता 7 अक्टोबर के 1571 करेंगे प्रिवेजा युद्ध के प्रिवेजा यहाँ 1538 करेंगे ठीक अच्छे बहुत बढ़िया। तो आ